हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर एंड डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे निकालनी है। तो ऑर्डर होता क्या है, जब भी हम ऑर्डर निकालेंगे ये होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। और डिग्री, जो भी ऑर्डर आएगा उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसी को ही हम डिग्री बोलेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव कितनी बार करा हुआ है। तो ये तो है डी वाई डी एक्स, यानी कि बस एक बार ही डेरिवेटिव करा हुआ है। और ये है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि दो बार डेरिवेटिव करा हुआ है। डेरिवेटिव का मतलब आपको पता ही है, जितनी बार भी हम डेरिवेटिव करेंगे उतना इसकी पावर बढ़ती जाएगी। जैसे तीन बार डेरिवेटिव करा तो वो डी थ्री वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स क्यूब। तो जो भी हाईएस्ट होगा वन टू या थ्री, हमें उसी कोई ऑर्डर लिख देना है। तो इस केस में हमारा हाईएस्ट था टू, तो हम यहाँ पर ऑर्डर लिख देंगे टू। अब इसके बाद आती है डिग्री। डिग्री इसी वाले की जो भी पावर होगी उसी को हम डिग्री बोलेंगे। जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होगा उसकी पावर को हम डिग्री बोलेंगे। जैसे यहाँ पर इसकी कोई पावर नहीं है तो इस टाइम हमारी डिग्री हो जाएगी वन। अब एक और एग्जाम्पल ले ले अब इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें दे रखा है डी फोर वाई अपॉन डी एक्स की पावर फोर प्लस साइन और ब्रैकेट में वाई के ऊपर तीन कोमे लगा रखे हैं। इन तीन कोमों का मतलब है डी थ्री वाई और डी एक्स की क्यूब। जितने कोमे होंगे उतना ऑर्डर लिखा हुआ है, ये समझ लो। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो है थ्री और यहाँ पर ऑर्डर है फोर। तो जो भी हाईएस्ट होगा हाईएस्ट ऑर्डर वाले को हम ऑर्डर में लिख देंगे, यानी कि जो हमारा ऑर्डर इस टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा ये फोर वाला। अब बात आती है इसकी डिग्री की। तो हमें ये देखना होगा कि इस हाईएस्ट ऑर्डर वाले के डेरिवेटिव की डिग्री क्या है। यहाँ पर पावर में कुछ नहीं है, वन है, तो हम यहाँ डिग्री में वन लिख देंगे। लेकिन हमें वन नहीं लिखना, क्योंकि कोई भी फंक्शन जैसे साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स या डेरिवेटिव होगा तो उसकी हम डिग्री डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो उस केस में हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। तो डिग्री की एक चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि कोई भी डेरिवेटिव अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है, जैसे कि साइन के अंदर दे रखा हो उसका एंगल डी वाई बाई डी एक्स, या फिर लॉग के अंदर दे रखा हो लॉग डी वाई बाई डी एक्स, तो इस केस में हम डिग्री नहीं निकाल सकते, यानी कि उसका आंसर हम दे देंगे नॉट डिफाइंड। लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं जिसमें कन्वर्ट करके हम डिग्री निकाल सकते हैं, वो अभी मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया डी वाई वाई डी एक्स और ये होगा हमारा साइन के अंदर और इक्वल्स टू में है टू एक्स प्लस फोर। अब इसका हम ऑर्डर अगर लिखें, ऑर्डर इसका टू ले लेते हैं, तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव करा हुआ है इसे दो बार, तो इसका ऑर्डर तो हो गया टू। अगर इसकी डिग्री निकालनी हो तो अभी मैंने बताया था कि साइन के अंदर या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई भी डेरिवेटिव होगा तो उसे नॉट डिफाइन लिखेंगे। लेकिन इसे नॉट डिफाइन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसकी डिग्री हम निकाल लेंगे। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे वो देखो, हम इस साइन को इधर ले जाएंगे और साइन इनवर्स में बदल देंगे, तो ये डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उधर जाके साइन इनवर्स टू एक्स प्लस फोर हो जाएगा। तो ये कन्वर्टेबल है, तो इसलिए अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी वन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिग्री इक्वल्स टू वन। अब ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम देखेंगे कि हम इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर हम लेकर जाएंगे, तो यहाँ बचेगा साइन डी वाई बाई डी एक्स और उधर आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री माइनस डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब।
तो अब ये साइन हटाएंगे अगर हम, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बचेगा और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 2x प्लस 3 माइनस डी 3y डी एक्स क्यूब। तो देखो साइन इनवर्स के अंदर भी अब दोबारा डेरिवेटिव आ गया, तो इसलिए हम इसकी डिग्री को लिख देंगे नॉट डिफाइंड। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है और उसके किसी भी डेरिवेटिव पे ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथम फंक्शन नहीं रहना चाहिए, तभी हम उसकी डिग्री निकाल सकते हैं, वरना लिख देंगे हम नॉट डिफाइंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।